किसका किस्मत में क्या लिखा हुआ है कोई किसी को नहीं पता। तो कारण यहाँ पर आया था तो वो आज पूरा हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद दास। और तो आज है 16 अगस्त और मैं मनु के साथ जिस काम के लिए आया था या जिस वजह के कारण यहाँ पर आया था तो वो आज पूरा हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों आपको शायद मेरे जो पहले वीडियो था उसमें भी आपने मुझे सुना होगा कि मैंने जो ये वाला जो ये मिडिल फिंगर वाला जो रिंग है ये सब जो मुझे बुरा सपना आता है जिसके कारण से मैंने ये लगाया था। तो यही बात मैंने कुछ दिन पहले रूपम के घर पे बैठते समय मनु के साथ बात करते करते निकला कि मुझे ऐसे सपना आता है। तो मनु ने कहा चलो ठीक है तो मेरे साथ मेरे गांव चलो तो मैं उसका कुछ हल निकाल देता हूँ। तो जिसके कारण की वजह से आज मैं उस दिन को कुछ दिन पहले मनु के साथ यहाँ पर आया तो ऐसे कुछ हुआ और बातचीत। तो और मैं यहाँ पे आया 14 अगस्त को मनु के साथ और आज उनके साथ मैंने प्रे किया और आज मेरे दिल को बहुत शांति मिल रहा है कि ये और मुझे बुरा सपना भी नहीं आया। और मनु को मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उसके वजह से जो मेरे जो बुरे सपने हैं वो आना बंद हो गया है जिसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं। वीडियो भी आ रहा हो? वीडियो में आ रहा हो? तो गाइस ये अपना मंदिर, तो अभी हम इधर जा रहे हैं। ओ मनु भी, अपना भाई मनु भाई भी इधर ही है। तो हेलो नमस्ते। हेलो, तो गाइस आपको मैंने कहा था कि मनु भाई ने ही मुझे ये मतलब एक रास्ता दिखाया जिसके वजह से मुझे जो बुरे सपने आते हैं वो बंद हो जाएगा। वो मनु ने कहा और मनु ने लेके आया और हम कोइंसिडेंसली हम रूपम भाई के घर के पे मिल गए हैं कि नहीं। तो मनु ने मुझे कहा चलो भाई, अगर देखो लाइफ का सवाल है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारा मर्जी, नहीं जाना है तो तुम्हारा मर्जी। तो मैंने कहा चलो लाइफ का सवाल है और मनु भाई बोल रहा है तो क्यों नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो गाइस मुझे बहुत ही बुरे बुरे सपने आते थे और मनु ने मुझे कहा कि रूपम के घर पे जब हम बैठे थे तो मनु भाई ने कहा कि चलो भाई, अगर तुम्हें बुरे सपने आते तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका रास्ता क्या है, कि आपको कैसे वो सपने नहीं आएंगे। तो मनु भाई, तो मनु को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि मनु ने मेरे लिए प्रे कर दिया और मुझे जितने भी बुरे सपने आते थे वो अभी बंद हो चुका है। तो लॉर्ड विष्णु को भी मैं किस्मत किसका किस्मत में क्या लिखा हुआ है कोई किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं से मुझे ये मुझे मिला, उन्होंने बोला कि मेरा सपना बहुत खराब खराब ऐसा 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 आता है यू नो। तो मैंने बोला है कि चलो मेरा घर पे चलो, मेरा प्रभु विष्णु ठीक कर देगा। तो यहाँ पे आया और बहुत ही ज़्यादा प्रे किया, पूजा किया, बहुत ही यू नो बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब यहाँ पर काम किया। तो इसका मतलब ईश्वर ने मतलब ऐसा चमत्कार किया कि इसका मतलब सपना मतलब कल से आने के लिए बंद हो रहे हैं। तो ये ना कहीं ना कहीं से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, मतलब इसलिए एकदम प्रभु को। वही क्या बोलेगा अभी, हम तो बोलने का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। लव यू मेरा प्रभु विष्णु और थैंक यू दिल से। हाँ मनु को भी और विष्णु भगवान को भी। अगर दिल से अगर थैंक्स देना है ना तो इंसानों को थैंक्स देना बंद करो, भगवान को थैंक्स करने के लिए। तो गाइस अब मनु से भी और मनु को भी थैंक यू क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया। और ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारे आनंद ब्लॉग पर। तब तक के लिए आप अपना और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ दीजिएगा दोस्तों जैसे आप दे रहे हैं और हर वक्त ऐसे साथ दीजिए। दोस्तों अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो दोस्तों भगवान पे विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है वो सही हो जाएगा दोस्तों। बस विश्वास बनाए रखिए ईश्वर पर, चाहे वो कोई भी भगवान हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। जिससे आप पूजा करते हैं उसे आप दिल से मानिए तो जो भी आपका परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ बहुत सारा कष्ट होगा ज़िंदगी में, ऐसे समय आएगा कि आपको ऐसे लगे या भगवान नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों। लेकिन भगवान के ऊपर से आप कभी भी विश्वास ना तोड़े, हमेशा कायम रखे भगवान को विश्वास कीजिए। तो एक दिन न एक दिन जरूर दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। और भगवान बोलते हैं परीक्षा लेते हैं, ऐसा ऐसा परीक्षा लेगा दोस्तों कि आपको समझ में नहीं आएगा कि विश्वास करें ना करें, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा दोस्तों।
तो भगवान पे किसी भी सिचुएशन अच्छा हो बुरा हो भगवान के ऊपर विश्वास रखिए दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अनदर ब्लॉग पर, तब तक के लिए आप अपना और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। फॉर वॉचिंग, हर महादेव।